ಸಮಯ ನಮಗಲ್ಲ. पुष्पा मूवी के बाद अल्लू अर्जुन को साउथ इंडिया स्टार नहीं बल्कि उनको पैन इंडिया स्टार कहा जाने लगा है. उनकी आने वाली हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करती है और फैंस भी उनकी आने वाली हर फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं. अल्लू अर्जुन एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उनकी फिल्मों में एक्शन, रोमांस और ड्रामा सब कुछ देखने को मिलता है, जिससे उनकी फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित होती है और सिनेमा घरों में भी अच्छी कमाई होती है. तो आज हम आपको उनकी आने वाली एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसकी अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी हो सकती है और ये पुष्पा से भी बड़ी फिल्म हो सकती है. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. अल्लू अर्जुन मूवी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बन चुका है. आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन की हर फिल्म अब हिट साबित होती है और आज हम आपको अल्लू अर्जुन की आने वाली AA22 के बारे में बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. पुष्पा के पार्ट 1 की सफलता के बाद पुष्पा के सेकंड पार्ट की तैयारी चल रही है और ये मूवी जल्द ही रिलीज हो जाएगी. और वहीं बात करेंगे अगली मूवी की, तो इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे त्रिविक्रम, जो साउथ की बहुत सी हिट मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं. डायरेक्टर त्रिविक्रम अल्लू अर्जुन के साथ इससे पहले 3 हिट मूवी बना चुके हैं और अब अल्लू अर्जुन की त्रिविक्रम के साथ ये चौथी फिल्म होगी. डायरेक्टर त्रिविक्रम अल्लू अर्जुन को लेकर एक जबरदस्त एक्शन मूवी करेंगे और इसका टाइटल अभी AA22 रखा गया है और ये मूवी भी पैन इंडिया में रिलीज होगी और इसमें भी अल्लू अर्जुन अलग लुक में दिखाई देंगे. तो दोस्तों, आपका अल्लू अर्जुन की इस मूवी को लेकर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप अल्लू अर्जुन के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें. और इस फिल्म में विजय सेतुपति अंडरकवर एजेंट के तौर पर नजर आएंगे और इनका किरदार काफी ज्यादा खतरनाक दिखने वाला है. दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर वेणु श्रीराम के बारे में. दोस्तों, वेणु श्रीराम साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टरों में से एक हैं जो कि कम फिल्में बनाते हैं लेकिन बहुत बड़े बजट की फिल्में बनाते हैं. दोस्तों, इनकी एक फिल्म आई थी वकील साहब जो कि जबरदस्त हिट साबित हुई थी और दोस्तों तभी से वेणु श्रीराम ने एक ठान लिया था कि वो साउथ के बड़े एक्टर अल्लू अर्जुन के साथ एक फिल्म बनाएंगे, वो भी जबरदस्त स्टोरी लेकर. तब दोस्तों उन्होंने एक स्टोरी पर काम करना शुरू किया. और दोस्तों, जब वेणु श्रीराम की ये स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई तब वो अल्लू अर्जुन के पास पहुंचे ये स्टोरी सुनाने को. और दोस्तों, अल्लू अर्जुन तब पुष्पा मूवी साइन कर चुके थे जिसकी वजह से उन्होंने इस फिल्म को अगली डेट दे दी. हालांकि दोस्तों, अल्लू अर्जुन को इस मूवी की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने अपनी मर्जी से इसमें कुछ चेंजेस भी कर दिए, जैसे कि उन्होंने इस मूवी की स्टोरी में एक हीरोइन की जगह 2 हीरोइन को करने की सलाह दी वेणु श्रीराम को. और दोस्तों, अल्लू अर्जुन के इस सजेशन को वेणु श्रीराम ने तुरंत मान लिया और अपनी स्टोरी पर फिर से दोबारा से काम करने लगे. यहाँ पर उन्होंने एक हीरोइन के लिए स्क्रिप्ट लिखी थी